परिवार पहचान पत्र और बीपीएल कार्डों को लेकर ना जनता में पूरी तरीके से हाहाकार है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस देश में एक आम आदमी का, किसान का, गरीब का कोई रहने का अधिकार है या नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे आदमी दिखाऊंगा, शायद आप उनके घर के हालात अगर देखेंगे, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये लोग हैं। सालाना 2 लाख रुपए कमाते भी होंगे, लेकिन ये बड़ी दांधली, बड़ा घपला है वो चल रहा है। देखिए थालियां लेकर आई हैं और इसका मतलब ये साफ है कि जो इनकी थाली में से रोटी है ना, वो सरकार ने छीन ली है। इसको लेकर आक्रोश है। इस खाली थाली बजाने का मतलब ये है कि इनकी थाली में जो रोटी है ना, वो सरकार ने छीन ली है। इसको लेकर बेहद आक्रोशित है। क्या इन लोगों को देखकर कोई ये अधिकारी या कोई ये सरकार है, हुकूमत ये बता सकती है, इनका परिवार है 2 लाख महीने से ऊपर है, वो कमाता होगा। बड़ा सवाल खड़ा होता है। ना केवल झज्जर का मुद्दा है, बल्कि ये पूरे हरियाणा प्रदेश का मुद्दा है। लेकिन जो अधिकारी है ना, वो ऐसी गहरी नींद में सो रहे हैं, और शायद ये हुकूमत भी ऐसी गहरी नींद में सो रही है कि शायद इसको आम जनता के हक हुकूकों से शायद कोई मतलब नहीं रहा। पाशा थोड़ो माजरा हमारे साथ। देखिए भाई साहब, दाद देते हैं आपकी हिम्मत को, आप इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आपके मन में नहीं उठता, क्या एक आम आदमी इस देश में अब रहने का अधिकार भी शायद खो दे? क्या थाली में रोटी का भी अधिकार शायद वो खो देगा? क्या कहेंगे इस सारे माजरे को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो बार बार गरीबों की और जहाँ पर भी ज़रूरतमंदों की आवाज़ आती है उसको उठाता है, और सभी को नमस्कार करता हूँ। भाई साहब, आज बहुत ही बड़ी मुसीबत का टाइम आ गया है, जो लोगों को अपनी खाली थाली या लेके आने का समय आ गया, क्योंकि इनके पास खाने के राशन कार्ड थे वो कट गए, क्योंकि वहाँ से भाई गरीब आदमी का तो यही इशारा था, सरकार के द्वारा जो राशन दिया जाता था वो खाते थे, भाई पिल्सन है पिल्सन कट गई, भाई दवाई पानी एक इशारा था बुजुर्गों के पास जो उनका पिल्सन का था, पिल्सन के सहारे वे अपना घर जीवन व्यतीत कर रहे थे। सरकार ने ये बहुत गलत किया है, क्योंकि जिन आदमियों को एक्चुअल में ज़रूरत है ना, उन आदमियों के कटे हुए हैं, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनकी धोखे से बना रखी है। ये एक जो पोर्टल बनाया गया है बिल्कुल गलत बनाया गया है, क्योंकि ये बोलते हैं कि बीजेपी सरकार गरीबों की सरकार है। अरे सबसे ज़्यादा गरीबों के साथ ही अन्याय किया गया है, किसानों के साथ कर दिया, खिलाड़ियों के साथ, हर किसी के साथ करा गया। इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए, नहीं तो अगर गरीब रो पड़ा ना तो उसकी आहट ऊपर तक जाती है, और भगवान आपको पता है भाई गरीबों की और पिछड़ों की जरूर सुनता है। तो मेरी सरकार से भी विनती है, अगर जल्दी से जल्दी इनके बीपीएल के और इनकी जो बुढ़ापा पेंशन, जो एक मान सम्मान दिया गया था बुजुर्गों को, वो जो चालू किया गया था, उसको वापस दोबारा से किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप गरीबों की जो आवाज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ और इनको इनका न्याय दिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, ऐसा लगता है शायद इनके हक का पैसा शायद अडानी के पास था, लेकिन वो भी अब चला गया। वो भी परमात्मा ने आय करने पर तुला हुआ है। अब देखो, ये किसानों के लिए कोई बजट आया है? अभी बजट पेश किया है मोदी सरकार ने। क्या किसान मजदूरों के लिए कोई बजट में एक सुविधा दी है? क्या MSP पे कोई दो बातें लिखी हैं? जो इनके पास एक था, इनका सम्मान था हमारे बुजुर्गों का, जो देवीलाल ने हमारे को, इन बुजुर्गों को हमारे को दिया था, वो भी इन्होंने छीन लिया। जो इस पेंशन का सही में अधिकार ने, जिसको उसकी तो पेंशन बना रहे, उन्हीं के राशन कार्ड बना रहे हैं, और जो सही में इनके हकदार थे, गरीब थे, मजदूर थे, उनके इन्होंने राशन कार्ड भी काट दिए। बिल्कुल। एक इतनी बड़ी किसान नेत्री होते हुए क्या आपको शोभा देता है कि कुलदीप साथ में है, वो राजनीति कर रहे हैं, आप खड़ी हैं, शोभा देता है मैडम आपको? हम यहाँ किसी राजनीति के अधिक मंच पे निशा जा करने आए थे, हम पहले ही आए थे, उसके बाद कुलदीप वत्स यहाँ आए हैं, और कई हम ये नहीं तो हम किसी राजनीति से हैं, हम किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, या जो भी सरकार उठाएगी हम उसके साथ हैं। ठीक है, ठीक है जी। मैम बताइए। नमस्कार जी, आपका और आपके चैनल का, जो हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और जी, आज का जो मेन मुद्दा है वो है राशन कार्ड, और जो बुजुर्गों की हमारी पेंशन थी ना वो काट दी, तो उसके लिए हम सरकार से अपील करेंगे कि वो मतलब जल्दी से जल्दी इनको दोबारा दे, बुजुर्गों का जो मान सम्मान है, और राशन कार्ड भी दोबारा बनवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ताई जी, मैंने देखा आपको, कितने लाख रुपए ज्यादा है वो आपके परिवार पहचान पत्र में दिखाया गया? वो ज्यादा दे रखे जी, चौकीदार के भी थे, वो चौकीदार उसके 80,000 कर दिए गए, चौकीदार लटेर के आ गया, हमारा कार्ड भी काट दिया, और बच्चे को भी नहीं ला रही। अच्छा ये बताइए कि वाकई में अगर ऐसा होता, इतने लाख की आपकी आमदनी होती, तो क्यों आप यहाँ पे खड़े होते? तो ये क्राउन ही ने करी थी, ये हमने तो करी नहीं, ऊपर वाली सरकार ने की थी। हम घर कैसे चलाएंगे, बीपीएल कार्ड कट जाएगा, रोटी कैसे खाएंगे आप? रोटी आप करो, हमारी हाल
हम क्या करे, हम तो मजदूर आदमी है, मजदूरी भी नहीं मिलती, मजदूरी खेतों में ना क्या से होएगा, जब पानी नहीं आएगा तो ठीक है। ठीक है, आप बताइए जी। मेरी पेंशन नहीं बनी जी। पेंशन नहीं बनी? हाँ। ठीक है, तो फिर कैसे ताई अब गुजारा कैसे चलाते हैं आप लोग? क्या करें दाड़ी, मजदूरी करते हैं। हाँ, तेरे गरीब आदमी। हाँ, तेरे मेरे कैसे सारा ला के कमा के खा रहे। हाँ, ये दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं और मतलब जी बताइए। चलो जी, आप गरीब आदमी हैं जी, आप तीन कह जी कति गरीब आदमी, कोई नौकरी नहीं, पढ़ाई नहीं जी, आप राशन कार्ड कट गया जी, आप मिल जाए तो आप खा ले, न तेरे वर्गे के सारा ला कर गुजारा करते हैं, गरीब आदमी हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बताइए आप बताइए ताई। हाँ जी, बूढ़ा बूढ़िया दो जी, छोरा एक्सीडेंट हो रहा इससे दाई सी का, छोटा छोटा बच्चा से जी राशन कार्ड थे कट गया, मीटर तुम्हारा से कर फिर कट गया राशन कार्ड तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है, अब कई लाखों रुपया अगर इनकी आमदनी दिखा दी, अगर वाकई में ऐसा होता ना तो ये लोग नहीं खड़े होते, या तो आप ऐसा कर दिए वाकई में इन लोगों को हालात इतने सुधार दीजिए कि इनकी आमदनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि ये उस कैटेगरी में ना आए। ये दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, लेकिन इनके साथ इस तरह का अत्याचार आखिरकार क्यों है? क्या ये पूरा ही देश, क्या आप अडानी को ही सौंप देंगे क्या सारी चीज़? बड़ा सवाल खड़ा होता है जी। जी प्रधान जी, मैं आपसे ही पूछूंगा, चाचा आपसे ही पूछूंगा, आप ही लोगों से पूछ रहे हो। प्रधान जी ये देखिए, ये अब आप जैसे लोगों से उम्मीद होती है कि आप नेतृत्व करें, सरकार के गिरेबा को पकड़े जाके और हक दिलाएं इन लोगों को। उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हमारे गांव में भी कम से कम 45 राशन कार्ड ऐसे कटे हुए हैं, इनका बिल्कुल भी कोई इनकम नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी, अगर इनकी एक भी % गलत पाए ना तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ये तो भोले भाले लोग हैं, ये नहीं जानते कानूनी प्रक्रिया। क्या अधिकारी की टेबल पे दस्तक दी आपने कि ये देखिए सबूत, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, कह रहे हैं कि हम करेंगे इंक्वायरी, फिर से सर्वे करवाएंगे, ये जवाब दे रहे हैं बस। चक्कर ही चक्कर लगा। हाँ, चक्कर ही करवा, सुबह से शाम तक गांव वाले परेशान कर रहे हैं, किसी का राशन कार्ड कट गया, किसी का कुछ हो गया, फैमिली एडिंग इनकम ज्यादा चढ़ा दी, इसलिए गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान है सर। ठीक है प्रधान जी, आप क्या? नमस्कार जी, आपके चैनल को नमस्कार। क्या मामला है आपके गाँव का, कितने लोग परेशान है? बहुत लोग परेशान है साहब, इसमें जो है राशन कार्ड कट गए गरीबों के, और जो है उनके हालात देखो, ऐसे हालात हैं, वो कमा भी नहीं सकते बेचारे, नहीं उनके कोई कमाने वाला आगे, ऐसे ऐसे आदमी राशन कार्ड कटे हैं। कारण क्या मानते हैं जो इतना परेशान किया जा रहा है लोगों को? कारण क्या मानते हैं, लोगों को हताहत किया जा रहा है, ये तो सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। ये सरकार जो है ये हमेशा गिराती आई है इंसानियत को, और इन्होंने आज इंसानियत को मार के रख दिया है, लेकिन लोगों की आँख नहीं खुलती, लोग अपने आप फिर उठा देते हैं ऊपर, फिर और दबा देते हैं लोगों को, गरीबों को और दबा देते हैं। अभी दिल्ली में धरना चला, कितने दिन किसानों का धरना चला था, उसके ऊपर कोई अमल हुआ? अब तक कोई अमल हुआ, सिर्फ उसके ऊपर लिपापोती करी है, ऐसे ही गरीबों के ऊपर किया जा रहा है, और ये फिर सरकार मारने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो है इनको जवाब दे देंगे। ठीक है, ठीक है जी, बताओ। देखो जी, मेरा कार्ड कटिया है ने, मतलब दो दिन जारी, दो दिन जाली मेरा कार्ड कटे हुआ, मैं यहाँ भी आ लिया डीसी के, मेरा कार्ड नहीं तो पिछली बार बनया और नहीं ये बन किया रहा, दो दिन सरपंच आई जाली बलवान की योजना, मेरा कार्ड कटिया। आपके काम क्या करते, खेती करते हैं, मजदूर? दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, मेरा बूढ़ा माँ बाप है, एक दो हैं हम, बाप से और मैं हूँ, दो हैं बस घर में, दो ही सदस्य। ठीक है, इनके चेहरे से आप देख सकते हैं कि ये दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, क्योंकि मेहनत कश लोगों के चेहरे पर है, वो दिखती है आपको वो सारी चीज़ें। इनके ऐसे चेहरे नहीं मिलेंगे कि बिल्कुल साफ है, लाली पाउडर लाए हुए, ये संघर्ष के चेहरे हैं जनाब, ये मतलब ये चेहरे वो हैं जो संघर्ष करते हैं खेतों में, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आप कम से कम चेहरे से ही देख लीजिएगा, क्या ये आपको लगता है ये लोग 12-12, 13-13 लाख, 6-6 लाख रुपये सालाना कमा लेते हैं, कहाँ से लाएंगे ये? इनमें से कुछ मतलब आधे से ज़्यादा तो ऐसे हैं जिनके हस्बैंड एक्सपायर हुए, सिर्फ खुद इन पे डिपेंड है, जो लेडीज अपने खुद अपनी मेहनत से अपने परिवार को पाल रही थी, उनके राशन कार्ड काट दिए, पेंशन कार्ड दी उनकी, अब इनकी 10 साल योजना होली। अधिकारियों से भी हम मिल लिए काफ़ी बार, अधिकारी बोल देते हैं इनकी तो आय इतनी है, अरे आय मीटर का बिल की बता देते हैं, 9,000 रुपये ऊपर मीटर का, ये मीटर ऐसे लगा रखे हैं, ये एक महीने में 9,000 रुपये काट दें, साल की तो बातें दूर है इनकी, क्योंकि ये सारी प्राइवेट कंपनियों को इसको बिजली का टेंडर दे दिए, सारे जो मीटर हैं वो इतनी स्पीड से चलते हैं, सिर्फ इनके घर पे जाके इंक्वायरी कर लो, इनके घर पर
चून पीसने वाली चाकी भी नहीं है, ये वही अपने पैसे से ट्रैक्टर वाले से पिसवाते हैं। इनका 9,000 रुपये का बिल कहाँ से आ गया? मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ। और आज हमारे सभी पार्षदों ने हमारी एक हर उससे हमने ये करी थी यहाँ पर ज्ञापन, इस ज्ञापन देने के लिए और यहाँ पर पूछे भी। और भाई जो भी किसान नेता है, भाई कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने इनका समर्थन करा, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप खासकर आपके चैनल का, क्योंकि आप हर बार हमारी बात को ऊपर तक उठा के लेके जाते हो। तो कृपया इन गरीबों की सुनो, क्योंकि इन गरीबों के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारे लिए हैं, हम इनके लिए हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं आप, अडानी को दीजिए बड़े बड़े लोन दीजिए, आप हज़ारों करोड़ों का लोन लेके लोग चले जाते हैं, लेकिन ये मांग रहे हैं कि खाली थाली में ना आप सिर्फ 2 जून की है वो रोटी डाल दीजिए। क्या इतना मांगने का भी हक नहीं है क्या हम लोगों का? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और मैम मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मकसद था, क्योंकि आपको मैंने देखा है 13 महीने संघर्ष करते हुए, मैंने क्या है पूरे देश ने देखा है। अब अगर ऐसे विधायक चढ़ गए, क्योंकि पता है क्या है, इन ये लोग अगली सरकार का इंतज़ार कैसे करेंगे? इन लोगों का मुद्दा आज का है, लेकिन पॉलिटिशियन जब मंच करेंगे ना, लेना सरकार से ही है, पॉलिटिशियन क्या करेंगे? पॉलिटिशियन ये करेंगे, अब बड़ी बड़ी बातें बोल के चले गए कि मैं घर दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, क्या दे देंगे क्या? आप तो देखिए किसानों को तो हर हुकूमत से लड़ना पड़ता है। कांग्रेस का राज आ जाएगा ना, मैं दिखा दूंगा कि आप कांग्रेस के खिलाफ बैठी हैं। मेरी बात सुनिए आप, हम तो पहले से आए हुए थे, ये हमारे किसान भी और मजदूर भी पहले से आए हुए थे, जिनके राशन कार्ड कट गए हैं, जिनकी पेंशनें कट गई हैं, लेकिन तब कोई पार्टी आके मंसा जा करती है तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि आप नीचे उतरो, हम पहले से। पता है क्या है, अगर इस तरह अगर जो राजनीति बात होगी ना, तो इन लोगों का काम मैं शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार पता है क्या कह देगी, तमाम लोग कांग्रेसी, जबकि आम आदमी है, ये आम आदमी है, हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं ये, और नहीं हम कोई कांग्रेसी है, नहीं हम कोई हम तो हर एक पार्टी कोई विरोध करने वाले हैं। रोकिए ऐसे लोगों को, जरा नहीं करते ना, रोका करिए। कल तो हम कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहे थे, वो गलत कर रही थी, तो आज हम बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। खिलाफ तो मैं भी बोल रहा हूँ। देखिए मैं तो ये कहती हूँ, हम किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं करते, हमारे साथ जो भी पार्टी गलत करेगी हम उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल वो विरोध जायज है, लेकिन राजनीतिक मंच मत बनने दीजिएगा, क्योंकि आप जैसे लोगों का ही तो मतलब आदमी समाज देखता है, और बतौर एक महिला आपको टोक देना चाहिए था, क्योंकि इतनी सारी महिलाएँ हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं। 2 वक्त की जून की रोटी की और लड़ाई है, और इस देश में ना मतलब 2 तरह की असमानताएं देखने को मिल रही हैं। अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है उसको बिल्कुल पीस दिया जा रहा है। किसी भी देश की खुशहाली का रास्ता जब निकलता है, ये नहीं होता कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप बना लीजिए, बड़े बड़े फ्लाईओवर या बड़े बड़े जहाज आप खरीद लीजिए, किसी देश की खुशहाली तब देखी जाती है वहाँ का किसान मजदूर तबका है, वहाँ का आम आदमी, वहाँ का गरीब आदमी है, क्या वो शिक्षित है? वहाँ का गरीब आदमी क्या 2 वक्त की जून की रोटी है वो जुटा पा रहा है? क्या गरीब आदमी के हकों पर उसको कुठाराघात नहीं किया जा रहा है? इस तरीके से देखा जाता है। शुक्रिया।